नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज हम आगे बढ़ेंगे और आपने देखा होगा कल मैंने लेक्चर फर्स्ट लिया था लक्ष्मीकांत बुक के चैप्टर नंबर 3 का। पॉलिटी सीरीज यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की कंप्लीट पॉलिटी बुक कंप्लीट की जाएगी, और जिससे आप अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन में और कैंडिडेट से काफ़ी ज़्यादा आगे रहें। तो दोस्तों देखिए, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 3 है, ये पूरा पूरा एक तरीके से ओवरव्यू है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस रखे गए हैं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे कई कई ढेर सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। इससे आप जितना ओवरव्यू मिलेगा आपको, आगे आसानी रहेगी आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में। तो दोस्तों देखिए, आप इन सभी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ सकते हैं। इस वजह से ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो देखिए आप मेरे साथ बने रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपकी पूरी पूरी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा। बाकी आप डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे और भी काफ़ी ढेर सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, सर की भी इकोनॉमिक्स का पूरा वीडियो है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेक्चर है, उसमें आप उसको देख सकते हैं और आप अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपको उससे ज़रूर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी फ्रेंड्स देखिए, मैं आज एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि जो कैंडिडेट्स या जो एस्पिरेंट हैं, जो लोग इस वीडियोस ये जो मेरा लेक्चर इसको अगर पहली बार देख रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था उसको पहले जरूर एक बार देख लें। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप बीच में से देखेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको, एक्चुअली में अच्छे समझ नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी बुक होती है, मैं आपको पूरी एम लक्ष्मी एक तरीके से आप कहानी स्टोरी की पैटर्न पढ़िए कि यहाँ पहले क्या था, फिर क्या आया, हर एक चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट है। तो मैं यही बोलूँगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसको, तो वो जो है पहले जाके लेक्चर 1 देखें, फिर इस लेक्चर को देखें दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना पार्ट 2 आगे चालू करते हैं, चैप्टर 3। सो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले जो और जो पॉइंट्स थे, जो 5 पॉइंट आगे, जो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 6 से। तो जो पहले के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6 से, बाकी 5 पॉइंट तक मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है पॉइंट नंबर 6 में, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, मतलब वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, मतलब अगर वहाँ पे किसी ने कोई लॉ बना दिया वहाँ पार्लियामेंट ने, तो वही सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। और वहीं मैं अदर हैंड बात करूँ तो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये कहाँ पे है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पे कौन है सुप्रीम, वहाँ पे अमेरिका की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। लेकिन देखिए, एक बात मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। लेकिन एक और बात वहीं बात करूं तो जो सुप्रीम कोर्ट का ही पावर है वो उतना ज्यादा भी नहीं जितना कि यूएस में है, कि हाँ सब पूरी पूरी पावर सुप्रीम कोर्ट को ही दे दी जाए। तो देखिए, हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, पहली बात, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना रही तो क्या करेगी जुडिशरी, जुडिशरी क्या करेगी, उसको रद्द कर देगी, उसको हटा देगी, ठीक है। क्यों, कैसे हटा दी, क्योंकि किसी भी अमेंडमेंट का क्या होता है, पहले जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को का हनन करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको हटा देगी। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है 1973 में केशव आनंद भारती केस से आया था, ये सभी केस मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो आप उसका कोई टेंशन मत लीजिए। अच्छा, बाकी बात करूँ तो देखिए, और जो ना ही हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ना ही हम बहुत ही ज़्यादा, जिस तरीके से यूएस में है पूरी पूरी पावर पावर जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उस तरीके से भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब इसका मतलब समझिएगा। और
हमारे यहाँ पे जो प्रोविजन लागू होते हैं वो कौन से हैं, प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, ठीक है, जो कि आर्टिकल 20। देखिए अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ये जो शब्द है ड्यू, इसका मतलब क्या होता है, फेयरनेस, मतलब कि जैसे कि आप कोई भी लॉ बने उसमें कितना ज्यादा फेयरनेस है, उसमें करप्शन ना हो। और बाकी जो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ का मतलब क्या है, जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर लॉ के द्वारा बना दिए जाए वही सबसे ऊपर है। तो ये बातें किसमें लिखी हुई, आर्टिकल 21 में। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये कहाँ का, यूएस का है, और हमारे यहाँ कौन सा है, प्रोसीजर स्टेबलाइज बाई लॉ। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में काफी ज्यादा बैलेंस बना चला चला गया, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर उसको रद्द कर सकती है बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऑन दी अदर हैंड बात करूं मैं तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी भी संविधान के किसी भी पार्ट को वो क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, बस सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली इट शुड नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम। तो देखिए अगला जो हेडिंग आता है हमारा वो है सातवां, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अच्छा अब देखिए इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहां पे मैं बात करूं, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आगे बात करूं तो देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरीज की, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब ये हो गया कि देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ सबसे नीचे कौन होता है, लोअर कोर्ट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर कौन होता है, हाई कोर्ट, और उसके ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे यहाँ सबसे ऊपर है, ठीक है, हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का सबसे ऊपरी वाला पार्ट है। उसके बाद मैं बात करूं अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो कौन आ जाता है पिक्चर में, हाई कोर्ट आ जाता है पिक्चर में। और वहीं एक हाई कोर्ट के अंदर कौन आता है, कौन आ जाते हैं, वो आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर जो लोअर कोर्ट है, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब बात करूं मैं वहीं अगर, तो देखिए जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ठीक है, चाहे वो सेंटर के ला के लिए हो चाहे स्टेट के ला के लिए हो, ठीक है, अगर जैसे कोई भी सिटीजन है इंडिया का वो चाहे तो जैसे वो सबसे पहले कहाँ जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर अपने हाई कोर्ट में जाएगा, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। तो सिंगल एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऐसा नहीं कि हर स्टेट के लिए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट या उस तरीके से कोई प्रोविजन नहीं। लेकिन वहीं यूएसए की बात करूं तो देखिए जो फेडरल लॉ होते हैं, ठीक है, वो कौन देखता है, फेडरल जुडिशरी, ठीक है, और जो स्टेट के लॉ होते हैं वो कौन देखता है, स्टेट के जुडिशरी। मतलब वहां पे फेडरल कोर्ट अलग है और स्टेट के लिए अलग कोर्ट है, ठीक है दोस्तों, मतलब यूनियन के लिए अलग कोर्ट है और स्टेट के लिए अलग कोर्ट है। अच्छा अब बात करूं मैं आगे बढ़ूं तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो क्या है, फेडरल कोर्ट है प्लस वो हमारे जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। मतलब हम जैसे अपील करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन को सजा हो जाती है लोअर कोर्ट में तो वो अपील कहाँ करेगा, वो जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में फिर से उसको वही बात सजा हो जाती, फिर से वो अपील करना चाहिए कहाँ करेगा, वो जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन सा सबसे हाईएस्ट कोर्ट है अपील के लिए, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखिए, ये जो है गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट का। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ मैं अपना कल्चर घुमा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा जरूर। तो ये जो है गारंटर है किसका, फंडामेंटल राइट का गारंटर है। अच्छा एक बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा, देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट को। अब देखिए इनके ओथ में ही है, जब ये ओथ लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट तभी ये बात, तो उनके ओथ में ये शब्द यूज होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सॉरी अगर अगर गारंटर की अगर बात की जाए तो वो कौन है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। किसका, फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा और कौन, और क्या है, ये गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन प्रोवाइड कराता है, वो कराता है प्रेसिडेंट, और गार्जियन कौन है, वो करता है सुप्रीम कोर्ट। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, देखिए मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये बातें लेक्चर सुनते हुए ही काफ़ी अच्छे से याद हो जाए। अच्छा एक बात अब मैं आपको बता दूँ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस बनाए हैं जिससे कि जो हमारा जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट रह सके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, मतलब उस पर कोई दबाव ना बनाया जा सके पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, जो टेन्यूर है जज का वो फिक्स है, ठीक है दोस्तों।
और सभी और क्या फिक्स सर्विस कंडीशन प्रोवाइड कराया जाता है सभी जजों को, और जितना भी खर्च होता है सुप्रीम कोर्ट का वो किससे चार्ज किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जितने भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे लेक्चर्स आएंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। बाकी देखिए जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, किसी मतलब किसी बात पे फैसला सुनाया, ठीक है, तो उसके फैसले का डिस्कशन आप जाके पार्लियामेंट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए प्रैक्टिस पे, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए कंटेम्प्ट मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको एक बार समन भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप नहीं आए, दोबारा नहीं आए, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है उन दोनों में क्या है, सेपरेशन है। और इसी तरीके से काफ़ी और चीज़ें हैं जो हम आगे अच्छे से जब मैं सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर लूंगा तो वो सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 8, जो कि है क्या है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल तो ये किस में है, पार्ट 3 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और कितने फंडामेंटल राइट, टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं और ये सभी सिटीजन्स को हमारे मिलते हैं। अच्छा कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक। तो देखिए आपको मैं बता दूं, राइट टू इक्वलिटी जो है इसी में कि सबको क्या करना है, सभी को बराबर अधिकार देना है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है उसमें क्या है कि जो जितने भी सिटीजन हैं उनको क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। किसी के साथ भी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बाकी बात करूँ राइट टू फ्रीडम है, सभी हमारे जो सिटीजन हैं उनको क्या है, फ्रीडम है स्पीच का आर्टिकल 19, और उसके बाद देखिए राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है, वो सब इसी के अंदर है, ठीक है। अभी बात करूँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 से 24, तो देखिए आर्टिकल 23 से 24 में ही ये बात भी लिखी हुई है कि एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है। बाकी आगे बात करूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो देखिए हर सिटीजन अपने इच्छा अनुसार कोई भी रिलीजन अपना सकता है, ठीक है, तो उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। तो वो किस में है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 29 से 30 तक। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये किस में है, आर्टिकल 32 में। अच्छा एक बात बता दूं, आर्टिकल 32 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही इसी के थ्रू जो है हमारे फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा कि जो फंडामेंटल राइट है ना वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है किसको, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, ठीक है। और ये ऑपरेट करता है किस पे, ये देखिए लिमिट लगाता है, लिमिट मतलब कि बांधता है किसको, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को, उन पे लिमिटेशन लगाता है कि वो जो है अपने सिटीजन्स को सिटीजन्स के अधिकार का या राइट्स का उल्लंघन ना कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, और ये क्या है, ये जस्टिसिएबल है नेचर, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अगर इस हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, इसका वायलेशन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इशू कर सकता है रिट्स। और रिट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कर्ट्योरी एंड क्वारंटो। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है, ठीक है, किसके रिस्टोरेशन ऑफ फॉर द फंडामेंटल राइट्स। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा तो एक और बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट आर नॉट अब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब फंडामेंटल राइट जो है ऐसा तभी तक आपका फंडामेंटल राइट आपका राइट है जब तक वो दूसरे के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना करे, दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा। बाकी इस पर हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ये कोई सेक्रोसेंट नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं, हम कर्टेल कर सकते हैं बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय दी पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों, मतलब पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारे फंडामेंटल राइट को हटा भी सकती है।
एंड दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ओनली द आर्टिकल 20 एंड 21, खाली आर्टिकल 20 और 21 ही क्या होगा, सस्पेंड नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं। चलिए अब आगे दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा हेडिंग 9 है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला है, नोवल फीचर बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोला है, इसको नोवल फीचर बोला है। और ये हमारे पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ है, और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, सोशलिस्टिक, गांधियन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है दोस्तों, और ये जो गांधियन वाला कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं डीपीएसपी के लिए अलग से जब लेक्चर लूँगा तो उस समय आपको अच्छे से बताऊँगा मैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि जो डीपीएसपी है वो प्रमोट करता है किसको, आइडिया कि हम आखिर सरकार को उनको किस तरीके के लॉ बनाने हैं जो प्रमोट करे द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। तो देखिए ये किस लिए होता है, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट की तरह डीपीएसपी जो है ये जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, जस्टिसिएबल मतलब कि अगर इसका वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है, लेकिन इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा अगर इसका वायलेशन होता है तो। और देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि जो भी गवर्नेंस है कंट्री में, ठीक है, जो भी कंट्री में सरकार चल रही है, जो रूल लॉ जो बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो उसकी ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे ये डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को अपने लॉ बनाने में। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब एक और बात बताऊं, तो देखिए एक तरीके से ये मोरल एजुकेशन की तरह है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखिए मोरल एजुकेशन की तरह है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आने चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो है कि आप इसको रिट इशू करके आप इसको इन्फोर्स कर दीजिए। बाकी आगे मैं बात करूँ तो देखिए ये जो डीपीएसपी है इनका जो, इनको 3 भागों में बांटा गया, जो मैंने बताया सोशलिस्टिक, गांधियन और लिबरल। तो जो गांधियन है ना, गांधियन से ही, इसी डीपीएसपी से ही आया था हमारा पंचायती राज का कॉन्सेप्ट जो आया, जो बाद में जो रूल जो बना वो इसी के द्वारा आया था। नहीं तो आपको पता होगा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उस समय पंचायती राज नहीं था। अगर पता नहीं तो आगे आपको सभी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, और ना ही आपको कोई आर्टिकल रटने की ज़रूरत है। बस मैं यही कहूँगा कि आप बस पढ़िए उसको, कोशिश करिए समझने की। बाकी मैं सभी आर्टिकल्स को इतनी बार इसी लेक्चर में अपने जो सीरीज है पॉलिटी की उसी में इतनी बार रिपीट कर दूँ कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद होती चली जाएंगी। और देखिए एक और बात आपको यहाँ बताऊँ, 1980 में एक केस हुआ था मिनर्वा मिल केस, तो उसमें ये कहा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बैलेंस में। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब देखिए अब आगे बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो देखिए शुरू शुरू में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ऑरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी सिटीजन के लिए, लेकिन ये कब ऐड की गई, ये ऐड की गई जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी 1975 से 77 के बीच में, उसी समय हमारे यहाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। और कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, और किसने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। और एक और बात मैं बताऊँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, और वो फंडामेंटल ड्यूटी थी कि प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा अच्छे से, जब फंडामेंटल ड्यूटी के लिए भी एक सेपरेट लेक्चर आएगा फंडामेंटल राइट के लिए, तो ये सभी चीज़ें आगे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस ये एक तरीके से ये और चैप्टर है, ये आपका ओवरव्यू है हर चीज़ का। अच्छा बात करें, देखिए ये जो कहाँ पे है, पार्ट 4A है, 4A में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और कौन सा आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल में सभी फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया, और वो आर्टिकल 51A। अच्छा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ठीक है, जैसे कि रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा जैसे हमको निभाना है, प्रिजर्व इन द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर,
एंड सो ऑन. द फंडामेंटल ड्यूटी सर्व एज रिमाइंडर टू सिटीजन दैट वाइल देयर राइट्स दे हैव ऑल्सो क्वाइट कॉन्सियस ऑफ ड्यूटीज दैट दे ओ टू देयर कंट्री. अब देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये भी डायरेक्टिक प्रिंसिपल की तरह डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. लेकिन ये एक तरीके सिटीजन्स के लिए ये है कि जिस तरीके से आप अपना राइट का लुफ्त इंजॉय कर रहे हैं अपने राइट्स को, उसी हिसाब से आपको जो है अपने ड्यूटी को भी याद करते हुए उसके उसे भी निभाना चाहिए. चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे, हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो कौन सा है, सेकुलर स्टेट. ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब मैं आगे बात करूँ तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर, इंडिया सेकुलर स्टेट है. ठीक है, और बाकी जो सेकुलर वर्ड है हमारे प्रीम्बल में 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ऐड किया गया था. कब हुआ था ये, 1976 में, और इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों. अच्छा देखिए अब आगे मैं आपको बात करूँ तो जो प्रीम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. मतलब जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के वो चाहें तो अपने हिसाब से रिलीजन, अपने हिसाब से फेथ को चूज कर सकते हैं, वो चाहें जिसकी पूजा करें, जो भी धर्म अपनाना चाहे अपना सकते हैं. अच्छा अब देखिए जो स्टेट है, जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकती है या फिर उसकी इक्वलिटी को नहीं छीन सकती है. ठीक है, किस बेस पे, रिलीजन के बेस पे. ठीक है, ये किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है कि एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. मतलब सभी का अधिकार क्या है, बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. ये किसमें लिखा हुआ, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि रिलीजन के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी को, ये आर्टिकल 16 में ये लिखा हुआ है कि सभी को क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है तो उसको प्रेफरेंस मिले या कोई मुस्लिम है तो उसको प्रेफरेंस मिले. ठीक है, बाकी आगे मैं बात करूँ तो देखिए, इक्वली एंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. आर्टिकल 25 में ये लिखा गया है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं, जितने भी हमारे सिटीजन हैं, वो चाहें तो अपने हिसाब से जो भी रिलीजन अपनाना चाहें अपनाएं, और उसको अपनाते हुए उसकी उस धर्म को अच्छे से फैला भी उसको प्रैक्टिस करें. देखिए आगे बात करूँ मैं तो रिलीजियस डोमिनेशन डेट सेल बी राइट सेल हैव राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर. मतलब कि देखिए जितने भी रिलीजन जैसे मठ वगैरह होते हैं या जो जो मुस्लिमों के जो बड़े बड़े इमाम जो होते हैं, जो भी उनके रिलीजन इंस्टीट्यूशन हैं, वो चाहें तो अपने जो भी रिलीजियस अफेयर हैं उनको मैनेज कर सकते हैं. ये लिखा हुआ है आर्टिकल 26 में. और बाकी देखिए किसी को भी किसी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये बात लिखी हुई आर्टिकल 27 में. चलिए इसी बात पे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो जजिया कर था वो किसने लागू किया था. अच्छा बाकी आगे बात करूँ तो देखिए कोई भी रिलीजियस एजुकेशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड होगा, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कहाँ पे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन की जाती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा. अब मान लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ करा सकता है, लेकिन जो स्टेट जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं मेंटेन किए जाते हैं तो वहाँ पे, ये कहाँ पे लिखा, ये बात लिखी आर्टिकल 28 में. और देखिए सेक्शन ऑफ द सिटीजन, जितने भी हमारे सिटीजन हैं ठीक है, उनका अधिकार है कि वो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट, जैसे कि किसी का लैंग्वेज अलग होगा, आपको ही पता होगा कि हमारे यहाँ कई भाषाएं हैं, कई स्क्रिप्ट हैं, कई कल्चर हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, ये आर्टिकल 29 में. और जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो चाहें तो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से. ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है. अच्छा अब देखिए बात करूँ मैं आगे तो ये भी बातें हैं कि जितने भी सिटीजन हैं उनको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर रखा जाए. ये आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्म के नागरिक जो भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. चलिए दोस्तों आगे मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो कॉन्सेप्ट हैं सेकुलरिज्म का, वो जो है हमारे यहाँ नहीं आ सकते. देखिए इसमें क्या है, ऐसा क्यों मैं बोला, वहाँ का जो वेस्टर्न कंट्री है
वहाँ का जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सेकुलर कंट्री होने का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ सेकुलर का मतलब ये हुआ कि जो रिलीजन के जो जितने भी अफेयर हैं उनको जो है गवर्नमेंट से या पॉलिटिक्स से का बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है। और ये क्या एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। हमारे यहाँ एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कई ढेर सारे रिलीजन हैं, लेकिन और देशों में ज़्यादातर जैसे क्रिश्चियन कंट्री है तो क्रिश्चियन का वहाँ पर डोमिनेंस है, बहुत ही ज़्यादा क्रिश्चियन है। फिर जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर मुस्लिम का डोमिनेंस है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हर रिलीजन के लोग हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है रिलीजन में, इसलिए हमारे यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, जो क्या करता है, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन और प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली, मतलब सभी रिलीजन का बराबर सम्मान करता है और सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट भी करता है इक्वली। अच्छा, और आगे बात करूँ तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है, जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन थे, जैसे कि आपको पता होगा 1909 में मॉडली मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था और 1919 में मॉन्टिक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था, तो उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको क्या किया, हमने हटा दिया, ठीक है, कॉमनल अवार्ड को हटा। अब देखिए कॉमनल रिप्रेजेंटेशन और जो रिजर्वेशन जो भी मिलता है उसमें क्या अंतर है, आपको बताऊं मैं तो। देखिए जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था उसमें क्या, जैसे कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसको मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो हिंदू हैं या कोई किसी और रिलीजन के लोग हैं वो लोग वोट ही नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं। और बाकी देखिए अब आज का जो रिजर्वेशन है उसमें क्या है, जैसे कि कोई भी एससी या एसटी का जो कैंडिडेट है, अगर वो उसको अगर उसकी सीट है वो खड़ा होता तो उसको सभी जाति धर्म के लोग उसको वोट देंगे। अच्छा, अब देखिए बात करूँ मैं तो, देखिए अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वैसे ही एडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है दोस्तों, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के इलेक्शन के लिए हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है जिनका भी एज 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और इसमें जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के, रेस के, रिलीजन या सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ के बेस पे, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा जो वोटिंग का जो एज था वो पहले था आर्टिकल सॉरी 21 ईयर, लेकिन अब 18 ईयर कर दिया गया है। कब किया गया, 1989 में, किसके द्वारा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेटर वॉज बोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, इतना सोशल इनिक्वलिटी है, ओवर इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा एक बोल्ड स्टेप था हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए, लेकिन उन्होंने लिया और देखिए ये सही भी था क्योंकि सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी अपने लीडर खुद चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी, आपको यहाँ तक ये बता दूं कि किसी भी कंट्री ने जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना वैसे ही उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया ही नहीं था। जैसे अगर बात करो तो यूएसए ने वुमेन को वोट देने का अधिकार दिया 1920 में, वहीं ब्रिटेन ने दिया 1928 में, रसिया ने 1936 में, फ्रांस ने 1945 में, इटली ने 1948 में, वहीं जो स्विट्जरलैंड है जिसको हम बोलते हैं आज विश्व में सबसे अच्छी कंट्री है, उसने भी अपने वुमेन के जो भी औरतें थी उनको वोट देने का अधिकार कब दिया, 1971 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते ये बात करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे चाहे सेंटर के लिए हो चाहे स्टेट के लिए हो एक ही सिटीजनशिप मिलती है और वो है इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर पर्सन को सिर्फ यूएसए का ही सिटीजन नहीं होना है, खाली अमेरिका का ही सिटीजन नहीं होना है, वहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टेट से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ का भी उनको सिटीजन बनना पड़ेगा। जैसे अगर कोई कैलिफोर्निया का नागरिक है तो उसके पास कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप भी होगी प्लस और कहाँ की होगी, यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी, तो डुअल दो सिटीजनशिप या डुअल सिटीजनशिप होगी। अच्छा, अब मैं आगे बात करूँ यहाँ पे तो देखिए वहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इंजॉयज डुअल सेट ऑफ राइट्स, जो कौन कौन, एक तो जो
नेशनल गवर्नमेंट ने दिया, जो यूएसए की सरकार ने दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगला कौन सा, जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो इन लोगों को दो तरीके के राइट्स मिलते हैं। वहीं जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो देखिए यहाँ पे चाहे हम किसी भी स्टेट में पैदा हों, चाहे कहीं भी पैदा हों किसी भी स्टेट में, हमारा जो सिटीजनशिप है वो पूरे भारत, पूरे इंडिया के लिए होगा, ठीक है। और कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और ट्राइबल एरिया के केसेस में। अच्छा देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये था कि सिंगल सिटीजनशिप दिया जाएगा और यूनिफॉर्म राइट दिया जाए सभी को, लेकिन तब भी हमारे यहाँ कॉमनल राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, क्लास कंफ्लिक्ट होता है, कास्ट वार होता है, जातिवाद, लिंग्विस्टिक क्लैशेस होता है, और इथनिक डिस्प्यूट भी होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा दंगा फसाद हो रहे हैं। तो शायद जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, जो संविधान जिन्होंने बनाया, वो चाहते थे कि हमारा देश एक इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन हो, यूनाइटेड हो, संयुक्त हो, वो अच्छे से हमारे लोग रियलाइज नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो अगला पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन सेंट, बट ऑल्सो स्टेबलाइजेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो देखिए इसमें यह कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन को ही नहीं बनाया, उसने क्या किया है, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज को ही बनाया है, जो देखेगा कि ये जो हमारे जो लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी है, ये किस तरीके से काम कर रही है। तो देखिए सबसे पहली बात करें हम, तो देखिए और ये जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ये इंडिपेंडेंट बॉडी। तो सबसे पहले बात करें, देखिए कौन है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये क्या करता है, ये फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है, किसका, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का, और किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, वो कराता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो ऑफिस आता है वो कौन है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो क्या करता है, ऑडिट करता है जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी पैसों को खर्च किया है उनको ये ऑडिट करता है, देखता है, ठीक है। बाकी आगे मैं बात करूँ तो देखिए यूपीएससी, जिसकी तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, एग्जाम को कंडक्ट कराता है, कौन से, ऑल इंडिया सर्विसेज की, ठीक है। और ये कभी कभी प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देता है। बाकी जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो, तो वैसे ही आप जानते हैं यूपी पीसीएस होता है या फिर बिहार पीसीएस, हर स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, तो वो भी बना हुआ है। और ये एवरी स्टेट में एग्जाम, हर अपने अपने स्टेट में क्या कराते हैं, एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, और ये किसको एडवाइस देते हैं, गवर्नर को एडवाइस देते हैं। देखिए हम मैं आपको अभी बता दूं, जो प्रेसिडेंट है वो कोरिलेटेड है गवर्नर की, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोरिलेटेड है किससे, सीएम से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से। तो देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं ये क्या हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रखा गया है, कि इनके जो टेन्यूर हैं वो काफ़ी सिक्योर है, इनका फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है, एक्सपेंसेस कौन उठाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनके जितने भी एक्सपेंसेस जो भी खर्च हैं वो वहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बात करें तो देखिए इमरजेंसी के प्रोविजन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15, वो है इमरजेंसी का प्रोविजन। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है, इसमें हम अपने जो सॉवरेनिटी है कंट्री की, जो यूनिटी है, जब इंटीग्रिटी है, जब सिक्योरिटी हमारे कंट्री की, जब इस पे जब कोई बात आती है, जब इसका जब ये जब खतरे में पड़ती है, जब इसके ऊपर डेंजर आता है, तो उस समय हमारे यहाँ इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। तो देखिए तीन तरीके की इमरजेंसी होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, जो किस ग्राउंड पर लगाई जाती है, ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। देखिए जो वर्ड आर्म्ड रिबेलियन है ये पहले नहीं था, इसको ये किसकी जगह आया है, पहले इसकी जगह वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस, उसको हटा के यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन रखा गया, ठीक है। और कब रखा गया, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात, तो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 352। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जो स्टेट का जो इमरजेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो जब भी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो वहाँ पर क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, आर्टिकल 356। या फिर जैसे सेंटर के डायरेक्शन को जो है स्टेट अगर नहीं मानता है या नहीं लागू कर, तो वहाँ पर भी लग जाती है आर्टिकल 365 के द्वारा, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
पे कोई थ्रेट आता है, वो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 360। तो देखिए जब इमरजेंसी लगती है देश में, तो हमारा जो फेडरल जो हमारा जो फेडरल जो कंट्री है वो क्या हो जाता है, वो किस में चुन जाता है, तुरंत यूनिटरी में। क्यों? क्योंकि जो स्टेट है, जो जिस भी स्टेट में इमरजेंसी लगा वो तुरंत किसके अंडर में आता है, वो आ जाता है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। और वहाँ पे वो सीएम की जगह किसका रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल, और कौन देखता है उसको, गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। तो देखिए हमारे यहाँ पे जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो शुरू शुरू में थ्री टायर गवर्नमेंट नहीं थी, सिर्फ टू टायर थे। कौन कौन से? एक है आपका सेंटर और दूसरा स्टेट। लेकिन बाद में हमने थ्री टायर गवर्नमेंट बनाए, जो कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए 1992 में, तो उसमें जो हमने थ्री टायर गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, और देखिए जो 73rd था वो किसके लिए था, पंचायत के लिए, रूरल रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो गांव के जो इलाके हैं। और इसने क्या किया, एक नया पार्ट ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9। और इसमें इसने जो है एक नया शेड्यूल ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा है, शेड्यूल 11। बाकी आगे बात करूँ मैं, तो देख 74th अमेंडमेंट हुआ उसी समय 1992 में, साथ ही साथ वो किसके लिए था, म्यूनसिपाल्टी के लिए, वो था अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। और इसने एक नया पार्ट ऐड किया पार्ट 9A। और देखिए पंचायत वाला कौन सा, पार्ट 9, ये कौन सा, पार्ट 9A। और एक और नया शेड्यूल कौन सा, पार्ट शेड्यूल 12। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस किया, जैसे पार्ट 1 किसके लिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 किसके लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 DPSP, कौन कौन सा आर्टिकल, 36 to आर्टिकल 51। देखिए आपको इसको रटने की जरूरत नहीं, इतनी बार अभी इसी बुक को जब मैं पूरा लेक्चर लूंगा इतनी बार रिपीट होंगे कि आपको अपने आप सभी चीज़ें याद होती जाएंगी। पार्ट 4 है किसके लिए है, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, आर्टिकल 51। इसी तरीके से पार्ट 5 किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए है। और पार्ट 6 किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। पार्ट 7 स्टेट इन पार्ट B ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, इसको क्या किया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए और पार्ट 8 किसके लिए है, ये है यूनियन टेरिटरी के लिए। पार्ट 9 अभी आपने ऊपर पढ़ा पंचायत के लिए, पार्ट 9A किसके लिए, म्यूनसिपाल्टी, पार्ट 9B कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए। अभी इसको आगे पढ़ाता हूँ, कॉपरेटिव सोसाइटी इसी चैप्टर में है। बाकी पार्ट 10 किसके लिए है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के लिए। पार्ट 9 रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पार्ट 12 प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से कई ढेर सारे पार्ट हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको मैं आगे अच्छे से समझा दूंगा। पार्ट 20 देख सकते हैं आप, अमेंडमेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 368। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं, पार्ट 7 जो कि पार्ट B स्टेट से डील करता था, उसको जो है 7th अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, और वहीं पार्ट 4A और पार्ट 6 से ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। और पार्ट 9A कब ऐड किया गया, 74th अमेंडमेंट किया गया 1992 में। और पार्ट 9B ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। और ये आर्टिकल्स आगे काफ़ी आएंगे, तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे, जो जिन जिन से रिलेटेड ये आर्टिकल, देखिए शेड्यूल हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो पहला शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से। ठीक है, और जो सेकेंड शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, एमोलुमेंट्स ऑफ अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, किसका, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर का, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, आगे मैं बोलूँ, और जो कैग है हमारा। ठीक है, और थर्ड कौन सा है, ओथ एंड अफर्मेशन के लिए। फोर्थ किसके लिए है, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। फिफ्थ किसके लिए है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स्थ किसके लिए है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। देखिए जितने भी शेड्यूल्स हैं ना, ये आगे सभी चीज़ें आती जाएंगी, अभी आगे आएंगी, जैसे पेशा एक्ट आएगा जब पंचायती राज को डिस्कस करो, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। सेवन शेड्यूल जो है ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। ठीक है, तो किसके किसके बीच, यूनियन स्टेट के बीच। तो देखिए इसमें जो है टोटल तीन तीन लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा कौन सा है,
कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए अभी आज के डेट में यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100, पहले कितने थे 97 जब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था। स्टेट लिस्ट में कितने हैं 61, ऑरिजिनली कितने थे 66। तो आप देख सकते हैं स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट हमने हटा दिए हैं। और देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं 52, और पहले कितने थे 47। एट शेड्यूल किससे रिलेटेड है, हमारा जो एट शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, वो है लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू शुरू में ऑरिजिनली कितने लैंग्वेज थे, शेड्यूल लैंग्वेज 14, लेकिन बाद में ऐड किए गए और भी ऐड करते किए हमने, और वो टोटल हो गए 22। तो देखिए कौन कौन से, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी या फिर डोंगरी भी आप इसको बोल सकते, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब देखिए आप यहाँ पे सिंधी को ऐड हमने किया किससे, 21st अमेंडमेंट किया 1976 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली का हमने ऐड किया 71st अमेंडमेंट। और जो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली है ये कब हमने ऐड किया, 92nd अमेंडमेंट किया 2003 में। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, खाली आपको 21st और 71st याद रखिए, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिले 92। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप इससे ये याद रख सकते हैं कि अगर ये दोनों आपको याद है तो आपको ये याद रह सकता है कि हाँ जी ये जो अमेंडमेंट है ये किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। उसका देखिए उड़िया जो ORIY है इसको रिनेम करके ODIA किया गया, कब, 96th अमेंडमेंट किया गया 2011 में। ठीक है, अब देखिए 9th शेड्यूल आता है, ये किससे रिलेटेड, ये एक्ट एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, डीलिंग विथ लैंड ऑफ रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अच्छा अब आगे बात करें 10th शेड्यूल की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड, ये है एंटी, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। और ये क्या, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जिसको हम बोलते हैं दल बदल अधिनियम। तो देखिए ये जो है ये शेड्यूल कब ऐड किया गया, 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में। अब देखिए अगला जो शेड्यूल है वो 11th, ये किससे रिलेटेड, पंचायत से। और जो 12th है आपको पता म्यूनसिपालिटी से। देखिए जो पंचायत उसमें टोटल कितने मैटर हैं 29, और जो म्यूनसिपालिटी उसमें टोटल है 18 मैटर। ये सारे ये जो मैंने जो हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए हमने कौन कौन से सोर्सेज कहाँ कहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कौन सी चीज़ें ली हैं, तो उसकी बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया जो 1935 का, उससे लिया हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी का प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डील्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। अच्छा देखिए यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मैं बात करूं तो हमने लिया फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मैं बात करूं तो हमने लिया DPSP और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया कि फेडरेशन जो रहेगा हमारा वो कैसा रहे, रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर इन द सेंटर। मतलब रेसिड्यूरी पावर कौन सा हो गया, देखिए वो पावर वो जो पावर है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा 7th शेड्यूल है उसमें क्या क्या है, उसमें लिस्ट दिया गया है ना 3 लिस्ट, कौन कौन से, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। जो जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आए तो वो उन पे कौन लॉ बनाएगा, तो उन पे बनाएगा लॉ सेंटर। ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस भी हमने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, किसका, पार्लियामेंट के दोनों हाउस का। और देखिए जर्मनी से हमने लिया कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, और USSR से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूरी और आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रिम्बल। जो फ्रांस का या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने लिया आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रिम्बल। और साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। आपको पता होगा मैंने आपको पहले, लेकिन वहीं यूएसए में हम लोग क्या लेते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और हम लोग किसको फॉलो करते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, भाई मैंने ऊपर ही बताया।
चलिए अब आगे बात करते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। तो देखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 हुआ, जिसके द्वारा जो है कॉपरेटिव सोसाइटी बनाई गई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए। जैसे कि आर्टिकल 19 में एक प्रोविज़न ऐड किया गया कि राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट बना। और DPSP में चेंज किया गया प्रमोशन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43B, और एक नया पार्ट ऐड किया गया पार्ट 9B, जिसमें आर्टिकल 243ZH से लेके आर्टिकल 243ZD। देखिए जो ए बी सी या जेड ये सब जो आते हैं किसी भी आर्टिकल नंबर के बाद, तो वो क्या है, वो दर्शाते कि अमेंडमेंट के द्वारा आए हैं, ठीक है। और देखिए पार्ट 9B कंटेन्स वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर दैट कॉपरेटिव सोसाइटी इन द कंट्री फंक्शन इन डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल ऑटोनोमस एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब मैं आगे आपको बात करूं तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, जैसे कि कहा गया कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए इस पे जो है B.R. अंबेडकर जी ने कहा कि देखिए हमने जो है चुप, आपने भी देखा कि हमने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है अच्छे से, उसको समझा, फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हुए उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखा है। ये भी कहा जाता है कि जो कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट का, तो देखिए इस पर B.R. अंबेडकर जी ने ये कहा है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो एक्चुअली में वहाँ पे जैसे आप देखेंगे जैसे अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अपने सिटीजन को अधिकार देगा, हमने भी दिया है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते ही हैं। बस हम क्या करते हैं उसमें ज़्यादातर क्या करेंगे, जो इसे आज के हिसाब से जो भी चीज़ ज़रूरत पड़े या जो भी हमारी नेसेसिटी है जो हमारी, उसके हिसाब से हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करें अन इंडियन एंड एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो देखिए लोगों का ये मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है आज़ादी के बाद लोग जो फॉरेन कंट्रीज थी या फिर जो ब्रिटेन वगैरह थे, उनका ये मानना था कि हमारा देश जैसे ही आज़ाद होगा उसके बाद ही ये कई भागों में बट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आज भी हम यूनाइट हैं, आज भी हमारा इंडिया एक यूनाइटेड यूनियन है स्टेट्स का, और आज भी हमारे यहाँ यूनिटी हमेशा बरकरार रहेगी, और कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। चलिए बात करते हैं आगे, ये भी कहा कि अनगांधीन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि देखिए गांधी जी का प्रोविजन था कि हमारे यहाँ विलेज पंचायत और मतलब पंचायती मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो देखिए अब उस समय तो नहीं आया लेकिन आगे चल के चीज़ें आ गई, ठीक है। आगे आपको पता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसमें हमने 3 टायर गवर्नमेंट को बनाया, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा अब देखिए ये भी कहा काफ़ी ज़्यादा वास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए आपको भी पता है कि हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, काफ़ी कल्चर में काफ़ी चेंजेस है हर स्टेट के, तो इस वजह से हमको सभी के बारे में सोचना पड़ा, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए पैराडाइज ऑफ लॉयर्स की बात करें, तो ये भी कहा जाता है, क्रिटिसिज्म होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था उसमें जो है ज़्यादातर लोग क्या थे, लॉयर थे, ठीक है। तो देखिए ये भी बात सही है, कह सकते हैं आप कि उसमें ज़्यादातर लॉयर थे, लेकिन ये अच्छी बात भी इसलिए है क्योंकि जो कानून के जो जानकार हैं अगर वो जानेंगे कि हाँ कानून किस तरीके से कानून बनाने चाहिए हमारे सिटीजन के लिए किस हिसाब से अच्छे रहेंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर 3rd पूरा कंप्लीट होता है, और अब मैं अपने अगले लेक्चर में लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हाँ आप DJR IAS के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड फ्रेंड्स और आप इन वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़े, जो भी लड़के आपके फ्रेंड में, आपका छोटा भाई हो या कोई भी आपके जान पहचान में हो, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो फेसबुक हो, तो आप वहाँ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए DJR IAS का मकसद यही है कि हर लड़के का जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद हो सके दोस्तों। तो आप भी हमारे इस एफर्ट में अपना भागीदार बनिए, ओके फ्रेंड्स। और जैसे कि हम आप भी जानते हैं कि हमारा मोटो यही है कि एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।